हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी के लिए मैंने तीन शानदार स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर खड़े हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 20 अगस्त की हमारी पहली रिकमेंडेशन थी पीएफसी। पीएफसी को बाय करना था 96 से 96.8 के लेवल पे। इसका एसएल था 95 और इसके टारगेट थे 98, 99.6, 102। और इसने आज बहुत ही शानदार मूव दी है और एक तरफा इसमें मूव आई है 102। थर्ड टारगेट को भी इसने आसानी से अचीव कर लिया है। देख लेते हैं इसका चार्ट। यह पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चार्ट और देख सकते हैं मॉर्निंग में यहाँ पे इसने काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। 95.75 का लू लगाया इसने। यहाँ पे कम से कम ये 10 मिनट 15 मिनट तक घूमता रहा है। यह 3 मिनट का चार्ट और इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कितनी देर तक इसी जोन में रहा, हमारे बाइंग जोन में। लगभग बहुत ही टाइम तक ये यहाँ पे ट्रेड करता रहा और उसके बाद में ये देखिए एक तरफा इसमें मूव आई है। कहीं पे भी नीचे वीकनेस के साइन नहीं है, हर वक्त ये ऊपर की ओर ही जर्नी कर रहा था। और इसने हमारे थर्ड टारगेट से भी काफी ऊपर गया है। आज ये 104 के हाई के लमसम आ जा चुका था। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन थी टाटा केमिकल। टाटा केमिकल को बाय करना था 310 से 312 के लेवल पे। इसका एसएल था 307 और इसके टारगेट थे 315, 318 और 324। आज इसने भी बहुत ही शानदार मूव दी है। बहुत ही अच्छे लेवल्स पे ये गया था और बहुत ही स्पीड से ऊपर गया है, लेकिन हमारे ये बाइंग जोन में नहीं आया। मैंने कल कहा था कि ये बहुत मोमेंटम वाला शेयर है, इसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मार्केट आज पूरी दिन भर कमजोर रही, लेकिन इस शेयर में आप देख सकते हैं बिल्कुल भी वीकनेस नहीं आई। जैसे पीएफसी में वीकनेस नहीं आई, इसमें भी बिल्कुल वीकनेस नहीं आई। यह टाटा केमिकल का चार्ट और देख सकते हैं मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते ही ये ऊपर गया और पूरे दिन भर इसने कंसोलिडेट किया। कहीं पे भी वीकनेस के साइन नहीं है, एकदम कंसोलिडेट ही करता रह गया आज। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन थी बालकृष्ण इंडस्ट्री, इसे सेल करना था 1365 से 1368 के लेवल पे और इसका एसएल था 1380 और इसके टारगेट थे 1356, 1342। आज ये ओपन ही 1347 के आसपास हुआ और उसके बाद में इसमें स्ट्रेंथ आई और स्ट्रेंथ कंटिन्यू रही। सेलिंग जोन में ये आया और हमारे एसएल को इमीडिएटली इसने हिट कर दिया। यह बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का चार्ट और देख सकते हैं मॉर्निंग में ही बहुत नीचे आया और नीचे आने के बाद में इसमें दिन भर स्ट्रेंथ ही रही है। कहीं पे भी वीकनेस के साइन नहीं दिखाई इसने। ये मैंने कह भी दिया था कि बुलिश स्टॉक है, हम सिर्फ एक दाव खेल रहे हैं इस पे। बहुत ही छोटा सा एसएल था इसका। 21 अगस्त का हमारा पहला स्टॉक रहेगा टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स को बाय करना है 316 से लेकर 319 के लेवल पे और इसका एसएल रहेगा 314 का और इसके टारगेट रहेंगे 322, 328 एंड 332। रिस्क टू रिवार्ड, ये काफी फेवरेबल स्टॉक है। यह टाटा केमिकल का चार्ट और देख सकते हैं कल जो मूव आई थी काफी अच्छी मूव आई थी और आज वो मूव कंटिन्यू की और गैप अप ओपन हुआ और ये देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी काफी अच्छा बिल्डअप हुआ है। आरएसआई भी काफी फेवरेबल है, ये स्टॉक रुकने वाला नहीं लग रहा है। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है आईजीएल। आईजीएल को बाय करना है 408 से 412 के लेवल पे और इसका एसएल रहेगा 404.5 का, टारगेट रहेंगे 418, 422 एंड 428। यह आईजीएल का चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी मूव आई थी यहाँ पे और उसके बाद में इसमें कंसोलिडेशन होता रहा और अब देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ मूव आई थी इसमें। उसके बाद में ये आज पहली बार कह सकते हैं काफी अच्छा वॉल्यूम डेवलप हुआ, काफी अच्छी मूव आई है। आरएसआई जो कि देख सकते हैं हर वक्त नीचे का था, 50 के नीचे काम कर रहा था, आज इसमें भी स्ट्रेंथ आ गई है। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन है एनएचपीसी। ये बहुत ही छोटा सा शेयर है, अभी पावर सेक्टर में जिस तरह की मूव आ रही है उस समय ये बाय करना बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। एनएचपीसी को बाय करना है 23.5 के लेवल पे, इसका एसएल रहेगा 22 का। फर्स्ट 15 मिनट के लिए ये एसएल रहेगा, उसके बाद में हम एसएल को शिफ्ट कर देंगे 22.8। इसके टारगेट रहेंगे 24.5, 25.5, 27। यह एनएचपीसी का चार्ट और देख सकते हैं कितने दिन की वीकनेस थी, खाली एक ही जोन में ये बहुत ही दिन तक काम करता रहा है। अब पावर सेक्टर में जैसे ही स्ट्रेंथ गेन हुई है, इस शेयर में भी काफी अच्छा गेन आ चुका है। ये बहुत ही छोटा सा स्टॉक है, 23 का प्राइस है इसका और इसमें मूव करने की बहुत ही ज्यादा क्षमता है। ये ऊपर की ओर बहुत आसानी से मूव कर सकता है। कल मैंने अपने वीडियो में कहा था कि आप अपने किसी भी शेयर के बारे में मुझसे जानकारी चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो एनटीपीसी के बारे में पूछा गया है और लॉन्ग टर्म व्यू पूछा गया है। एक व्यूअर ने एनटीपीसी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के व्यू मांगे हैं, तो मैं इस पे पूरे अच्छे से डिस्कस करूंगा। क्या एनटीपीसी को लिया जाना चाहिए, क्या इसका व्यू क्या रहता है, आने वाले टाइम में ये कैसा परफॉर्म कर सकता है, इन सब की विस्तृत चर्चा मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को, वो आप वीडियो देख सकते हैं। अब जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। कल जो निफ्टी ने 11,450 का रेजिस्टेंस लिया था, आज भी
वहां पर पहुंचा ही नहीं और नीचे ही काम करता रहा। निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे ही दिन भर काम करता रहा। देख लेते हैं निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। यह निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं इसने पूरे दिन भर एक छोटी सी रेंज में काम किया है। मूवमेंट काफी वाइल्ड आई थी यहाँ पे और इस जगह पे दो बार काफी अच्छी वाइल्ड मूवमेंट देख सकते हैं। ये आज वीकली एक्सपायरी थी इसलिए इतनी वाइल्ड मूवमेंट थी। अब जान लेते हैं निफ्टी का आगे का व्यू। निफ्टी का आगे का व्यू यह है कि निफ्टी को रेजिस्टेंस अब इसी जोन पे वापस मिलेगी और निफ्टी को जो सपोर्ट मिल रहा है वो ये कह सकते हैं 11,180 के आसपास इसे सपोर्ट मिलेगी। निफ्टी अभी अपने सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन दोनों से काफी दूर है, हो सकता है ये कल भी कंसोलिडेट करे। अब जान लेते हैं बैंक निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी को देख सकते हैं इसी जोन पे 22,400 के आसपास ही रेजिस्टेंस मिला था कल और आज तो गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद में काफी छोटी सी जोन में ये काम करता रहा। यह है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं ये जोन पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस कल मिला था इसे और आज गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद में पूरा दिन भर ये नीचे ही काम करता रहा। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में वीकनेस है। अब जान लेते हैं बैंक निफ्टी का कल का व्यू। बैंक निफ्टी हो सकता है 21,720 के आसपास सपोर्ट ले, इसे रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो 22,100 के आसपास रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर ये 22,100 को क्रॉस करता है डिसाइसिवली और इसके ऊपर में थोड़ी देर काम कर लेता है आधे घंटे के ऊपर तो ये 22,400 के आसपास आसानी से जा सकता है।